1851 में अब्राहम लिंकन के पिता थॉमस लिंकन अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे। उन्होंने अपने बेटे से मिलने की इच्छा प्रकट की, जिस पर अब्राहम लिंकन ने पत्र में लिखा था कि अब मिलने से क्या फायदा, मिलकर दोनों को दुख ही होगा। वे अपने पिता की अंतिम क्रिया पर भी नहीं आए, जो अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये बात उस समय की है जब यूएसए के बच्चों को मारना अच्छा माना जाता था। थॉमस लिंकन, जो कि मजदूर थे छोटे, अब्राहम के पढ़ने पर बहुत क्रोधित होते थे, इतने कि डंडे और चाबू से पिटाई करते थे, कभी तो मार मार के बेहोश कर देते। 15 साल के अब्राहम से मजदूरी कराते और सारा मेहनताना खुद रख लेते। अब्राहम लिंकन को महसूस होता था कि वे गुलामी में जी रहे हैं, इसलिए उन्हें बचपन से ही गुलामी से नफरत हो गई। अब्राहम लिंकन का जीवन शुरू से अंत तक कठिन था। उनके 4 लड़के हुए, उनमें से 2 की मौत उनकी आंखों के सामने हुई। तीसरे बेटे को उन्होंने अपने पिता थॉमस का नाम दिया, लेकिन अभी भी उन्हें अपने मुंह से थॉमस नाम लेना पसंद नहीं था। वो इसको टैड नाम से बुलाते थे। टैड भी 15 साल की उम्र में शरीर छोड़कर चला गया। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में इतनी सैड स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि हम अब्राहम के चरित्र को समझ पाए। उनके पिता ने अब्राहम लिंकन को पढ़ने नहीं दिया। जो कुछ उन्होंने सीखा वो अपनी इच्छा शक्ति पर सीखा। इतने सबके बावजूद वे एक सफल लायक बने, अच्छे नेता बन सके। एक बार अब्राहम लिंकन के दोस्त उन्हें अपनी फेलियर के बारे में बताते हुए निराश हो रहे थे। उसके बाद अब्राहम लिंकन बोर्ड पर कुछ लिखते रहे, जिसे देखकर उनके दोस्त के चेहरे पर चमक आ गई। वे 21 साल के उम्र में अपने पिता से अलग हुए। 1832 में नौकरी से निकाल दिए गए। 1833 में बिजनेस ठप हो गया। 1835 में उनकी प्रेमिका का देहांत हो गया। 1836 में वो डिप्रेशन में चले गए। 1843 में उन्हें अपनी पार्टी से नॉमिनेशन नहीं मिला। 1848 में वे दोबारा अपनी पार्टी के चुनाव में हार गए। 1854 में सीनेट का चुनाव हारे। 1856 में फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारे। 1858 में दोबारा सीनेट का चुनाव हारे। 1861 में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अब्राहम लिंकन ने ब्लैक बोर्ड पर अपने जीवन के फेलियर्स लिखे थे। वे लगातार अपने फेलियर से सीखते रहे और लगातार कोशिश करते रहे। ऐसा आदमी जो बिना रुके पूरे जीवन भर कोशिश करता हो, उसके पास से कितना कुछ सीखने के लिए होगा। अब्राहम लिंकन अलग मिट्टी के नहीं थे, लेकिन जो लोग रुकते नहीं उनमें कुछ खास बात होती है। वो फेलियर्स को अलग नज़रिए से देखते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं चैलेंज पूरा करते हैं। वो फेलियर्स को एक्सपीरियंस समझकर सिखाते और एक्सपेरिमेंट करते रहे। फॉर एग्जांपल, लिंकन इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण पार्टी का नॉमिनेशन नहीं जीत पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमेशा अपने दुश्मनों को अपने पास रखना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, अगर मुझे कोई आदमी पसंद नहीं करता तो मुझे उसे करीब से जानने की ज़रूरत है, अभी मुझे उसे समझना बाकी है। इसलिए प्रेसिडेंट बनने पर उन्होंने अपने विरोधियों को भी अपने कैबिनेट में जगह दी और दूसरे मुद्दों पर दूसरा पक्ष समझने के लिए उनसे सलाह मशवरा भी करते। और इसी राजनीतिक सूझबूझ के साथ वे अमेरिका से गुलामी खत्म कर पाए। दूसरी चीज जो उनसे सीखने मिलती है कि ये पूरे जीवन भर का प्रोसेस है। मैं और आप जो टीवी या इंटरनेट पर सक्सेस देखते हैं, ये केवल 0.00001% यानी 1 करोड़ में से 1 इंसान के साथ होता है। इंस्टेंट सक्सेस बहुत बड़ा मैथ है, इसलिए लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होनी चाहिए। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि अगर आप मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे देंगे तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। इसलिए हमेशा सीखते रहिए। पता नहीं हम सबको इस दुनिया को आपकी ज़रूरत कब पड़ जाए। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि अच्छा नाम चीनी के बर्तनों जैसा होता है।
उसे वापस जोड़ना कठिन है। इंटरनेट के जमाने में आप कुछ भी कर लें, आपका नाम तो उछलेगा ही। इसलिए हमें अब्राहम लिंकन की सलाह ध्यान से सुननी चाहिए। वो बात पूरी करते हुए कहते हैं कि अपने ईमान और एक्सीलेंस बेहतर से बेहतर करने की भूख को हमेशा जिंदा रखिए। जिसके पास ये दोनों चीज़ होती है उसे किसी चैलेंज से डर नहीं लगता, उसके पास कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट कोई कमी नहीं होती। इसलिए हॉनर और एक्सीलेंस की तो कोई कीमत ही नहीं है, ये बेस कीमती है। जिसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं उनसे ज़्यादा गरीब भी कोई नहीं है, क्योंकि वो हमेशा डरता रहेगा कि एक दिन मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। ऐसे ही एक महान लीडर थे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जो बचपन में एक आम लड़के थे लेकिन उनमें मेहनत करने की भूख थी। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।